मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा, कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है, काम की अधिकता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।